हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैकसॉफ्ट लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे। तो देखिए, फ्राइडे के दिन ये शेयर आपका हाई गया था 117.90, लो गया था 96.30 एंड फ्राइडे के दिन इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया है 12.18% का एंड क्लोज हुआ है 115.15 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹1,216.44 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹1,206.07 करोड़ एंड पीई रेशियो है 44.55। इस कंपनी के ऊपर आज के डेट पे किसी भी तरीके का कुछ भी डेप नहीं है। कंपनी बिल्कुल ही एक आपका डेप्थ फ्री कंपनी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है एंड कंपनी के पास अभी कैश है ₹10.38 करोड़। ओके, इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹2.59, रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.75% एंड आरओसी है 24.44%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 44.76% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 27.29%। ये जो कंपनी है सैकसॉफ्ट, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 68.15%, पब्लिक का होल्डिंग है 27.74%, FII का होल्डिंग है 3.83% एंड DII का होल्डिंग है 0.28%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज़्यादा ही है। और एक चीज़ देखिए, जो आपका 68.15% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज़ देखिए, ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा आपका रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है 1042.36% का। ओके, और ये जो कंपनी है सैकसॉफ्ट, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट पर देखिए क्या है, वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में। ओके, तो देखिए वीकली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट पे भी देख लेंगे और मंथली चार्ट पे भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा से ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, लास्ट ट्रेडिंग डे पे मतलब फ्राइडे के दिन यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, जिस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया है एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0.0 से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में ज़्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वन वीक का चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज़ देखिए, लास्ट वीक में यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, जिस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी देखिए 60 का जो लेवल है उसके नज़दीक पहुंच चुका है। MACD अभी भी आपका 0.0 से नीचे है, लेकिन MACD का ये जो दो लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच में देखिए एक आपका क्रॉसओवर होने वाला है। मतलब MACD भी आपका पूरा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वीकली चार्ट में भी ज़्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। ओके,
तो अभी इस शेयर का जो करेंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹115, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपका ₹135 का जो टारगेट है इसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनल सेल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कॉन्सल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा टेक्निकली कैसा है, कौन सा फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।